guys, Aliza Khan here and welcome back to another new video. Here I am with new year glam but simple makeup look. So if you guys like this video, then don't forget to hit that subscribe button below and give this video a big thumbs up. So let's get started. First of all, I'm using a moisturizer to hydrate my skin. कोई सा भी moisturizer जो आपको पसंद है वो use कर लो, just because we have to hydrate the skin so that the skin can look so healthy. आफ्टर दैट अंडर आइज़ को हाइड्रेट कर रही हूँ. ये डार्क सर्कल्स आई सीरम है बट ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये आइज़ को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. मेरी अंडर आइज़ जो है वो ड्राई हैं और मैंने लिप बाम भी यूज़ किया है टू हाइड्रेट माई लिप्स एज वेल एज. नेक्स्ट टाइम यूजिंग 24K गोल्ड सीरम बिकॉज वी वॉन्ट दैट ग्लोई स्किन. और मैंने यहाँ पे बहुत ड्यूई सा लुक क्रिएट किया है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगेगी. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पार्टी क्रीम का प्राइमर, वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर. मेकअप तो लॉन्ग लास्टिंग बनाता ही बनाता है, साथ में आपके पोर्स को भी मिनिमाइज कर देता है. टोटली रिकमेंडेड. हियर आई एम यूजिंग मैजिक्स हाईलाइटर स्टिक. ये क्रीम हाईलाइटर है. लुक एट द शेड, लाइक ये ना गोल्डन है ना सिल्वर है, ये जो बहुत आपको प्यारा सा नेचुरल सा ग्लो देता है ना, ये वो है. बिकॉज ये ना सिल्वर लगता है ना गोल्डन लगता है, पीच का यू नो. इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है वो बफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर. ये कंसीलर जो है आप कह लो कि मेरी स्किन टोन से हल्का सा जो है वो डार्क है या मेरी स्किन टोन ही है. इसको मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे और माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन होती है वहाँ पे यूज़ किया है. और मैंने फ्लफी ब्रश यूज़ किया है इसको ब्लेंड करने के लिए. ये हम आप यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने कलर करेक्टिंग नहीं करनी थी. बहुत नेचुरल सी बेस बनाई है, फिटमी की बेस यूज़ कर रही हूँ. शेड वगैरह जो है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है. नाउ लुक एट द शेड, इट्स लाइक ये मेरी ही स्किन है. आई एम नॉट वेयरिंग एनी फाउंडेशन एट ऑल. आई वॉज टॉकिंग टू समवन एंड इन द होल वीडियो यू विल सी मी लाफिंग, इधर उधर देख रही हूँ मैं. और बस अच्छी तरीके से इसको भी ब्लेंड कर लेना है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्यूटी ब्लेंडर बट आई डोंट लाइक टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज फाउंडेशन का मैंने बहुत कम अमाउंट यूज़ किया है अपने फेस पे. और अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं वी हैव टू अप्लाई अ लॉट फॉर दैट कवरेज. ये वो कवरेज प्रोवाइड नहीं करता ब्यूटी ब्लेंडर, बट मैंने ब्रश यूज़ किया जिससे कवरेज आ जाती है और फाउंडेशन आपको बहुत लाइट वेट लगती है. नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ वन टोन लाइटर टू माई स्किन बिकॉज इसे हम एज अ हाईलाइटिंग पर्पज के लिए यूज़ करें. अंडर आइज़ को हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पे अपनी, और ब्रिज ऑफ द नोज को आपने हाईलाइट कर लेना है. थोड़ा सा जाएगा चिन पे और थोड़ा सा फॉरहेड पे. नाउ इट रियली इन्हेंसेस योर फीचर्स. और बहुत कम अमाउंट आपको यूज़ करनी है आपके ईयर्स के नीचे से लेके टूवर्ड्स योर माउथ, समथिंग लाइक दिस. जब आप कंटूर करोगे नेचुरली आपका एरिया जो है वो इन्हेंस हुआ हुआ लगेगा. ट्राई दिस हैक बिफोर अप्लाइंग कंटूर और ब्रॉन्जर व्हाटएवर. उसको भी मैंने सेम कंसीलर ब्रश की हेल्प से जो है वो ब्लेंड कर लिया है. नाउ ब्रशेस का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक देम आउट. बहुत 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 अफोर्डेबल हैं ब्रशेस और टोटली रिकमेंडेड. अच्छी तरीके से आप फिंगर्स का यूज़ करोगे अंडर योर आइज टू ब्लेंड योर कंसीलर, गेम चेंज हो जाएगी बिकॉज आपकी फिंगर में जो वॉर्मनेस होती है उससे कंसीलर बहुत 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 अच्छे से जो है ब्लेंड होता है, वेदर इट्स फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर और व्हाटसोएवर. यू हैव टू ब्लेंड इट समथिंग लाइक दिस. इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है टूवर्ड्स योर आउटर कॉर्नर और मेक श्योर टू अवॉइड एवरी क्रीज. दैट्स वाई हम यहाँ पे जो है वो उसको सेट करेंगे विद फेस पाउडर. सेम फिटमी का पाउडर यूज़ किया है. कंसीलर फाउंडेशन पाउडर तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टोटली रिकमेंडेड. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ अपने फेस को. आई रियली लव टू ब्रॉन्ज अप माई फेस. कंटूरिंग इतनी ज़्यादा नहीं पसंद बट आई लव टू ब्रॉन्ज. नाउ आफ्टर इवन ब्रॉन्जिंग सेटिंग करने के बाद भी पाउडर से फेस देखो कितना ज़्यादा डिग्री लग रहा है. बहुत मज़े की बेस बनी थी इससे. नाउ आई हैव ऑल्सो ब्रॉन्ज माई नोज बिकॉज मैंने कंटूरिंग है टोटली स्किप की है. नोज़ को भी ब्रॉन्जर से ही ब्रॉन्ज किया है और आई रियली लव दैट स्लिम शार्प स्ट्रेट नोज एंड रिजल्ट बहुत 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 मज़े का लग रहा था. प्रोडक्ट बहुत कम पिक किया है, सिर्फ उसे नीचे की तरफ लगाया है और ऊपर को आपको जो है वो ब्लेंड कर देना है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग टी वी पार्लर के टेराकोटा बेक ब्लशेज. आई रियली लव दिस पैलेट बिकॉज ये आप बहुत मज़े का एक शाइन देती है. इसमें टेराकोटा ब्लशेज हैं, दैट मीन्स थ्री कलर का जो ब्लश होता है इसमें हाइलाइटर भी होता है, ब्लश भी है और ये हाइलाइटर का काम भी करता है ब्लश का भी. इसको मैंने अपने पूरे फेस पे यूज़ किया, पूरे फेस पे, चिन पे, नोज पे, चीक्स पे, फॉरहेड पे, जॉलाइन पे. आई लव दिस शेड. उसके बाद मैंने मिस्ट्रोस के आईब्रो पोमेड यूज़ किया है. शेड वॉज एबोनी.
उसको लेके अपने आईब्रोज को जो है वो फिल कर लिया है, और जो मेरे पास रिमेनिंग ब्रश में फाउंडेशन बची थी उसी को मैंने अपने आईलेट्स पे यूज़ किया था एज आई शेडो प्राइमर। नेक्स्ट टाइम यूजिंग हुदा ब्यूटी न्यू न्यूड आई शेडो पैलेट, इसमें से ये टेडी शेड पिक करा है सिंपल, जैसे आप पूरे आईज पे इसको लगा देना है, एज बेस बना रहे हो आप, दिस इज़ योर बेस कलर जो कि नीचे से नजर आएगा, यू डोंट हैव टू मेक एनी क्रीज और वट एवर, जस्ट आप इसको पिक करो और पूरी हाइलाइट पे आपको उसको अप्लाई कर देना है, बट बहुत 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 कम अमाउंट पे, एज यू गाइस कैन सी कि हल्का सा बस एक टिंट आ रहा है, और बड़े साइज के ब्रश से मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम यूजिंग हुदा ब्यूटी सफायर ऑब्जेशन, आई लुक एट दैट पैलेट लाइक लव फिट। इसमें से मैंने सिल्वर कलर का शेड पिक किया है ब्रश की हेल्प से, बिकॉज हमें बहुत 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 कम अमाउंट चाहिए था। अगर मैं फिंगर यूज़ करती दिस शेड इज़ लाइक ओ माई गॉड इट्स सो पिगमेंटेड, दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ ब्रश, फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, फ्लैट है बट फ्लफी है। इस तरह के जो शेड ब्रशेज होते हैं इससे बहुत मज़े का लगता है आपका जो भी ग्लिटर होता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मिस्ट्रोज ग्लिटर पैलेट, इसमें से सिल्वर शेड को पिक किया है बहुत कम अमाउंट में, और इसको सेंटर ऑफ योर आईलेट्स पे अप्लाई किया है। आई मेकअप बहुत सिंपल है बट इट इज सो 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 ग्लैम, टू स्टेप में आपका ये मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से ग्लिटर्स को ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट सेम पैलेट में से मैंने ये वाइट कलर का शेड पिक किया है, और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो की जो ब्रो बोन है उसको हाईलाइट करूँगी। ये आपके आईब्रोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, लुक एट दैट शीन। इस शेड से मुझे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना भी बहुत पसंद है, लाइक मैं अपनी हर वीडियो में इसी शेड को यूज़ करती हूँ। वाई आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग माई इनर कॉर्नर्स एज वेल एज, और ब्रो बोन पे भी इसको अच्छी तरीके से आपको जो है वो ब्लेंड कर देना है। आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये आई लाइनर का नाम मुझे नहीं याद है, बाय द वेट फॉर सो सच अ गुड आई लाइनर, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मस्कारा यूज़ किया है और उसके बाद फॉल्सीज अप्लाई कर ली हैं। आई मेकअप डन, मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट किया है जिसके लिए मैंने मिस्ट्रोस का पेन आई लाइनर यूज़ किया है। आई रियली लव दिस आई लाइनर, जो मैंने आईलिड्स पे यूज़ किया है उसका नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छा जेट ब्लैक आई लाइनर था, बहुत आपको प्रिसाइज सा जो है वो विंग ड्रॉ करना है। और अगर आईलैशेस का ट्यूटोरियल चाहिए आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दैट, चेक दैट आउट। दोनों आईज पे आपको इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर ड्रॉ करने हैं। इनर कॉर्नर मैंने बहुत लाइक प्रिसाइज सा ड्रॉ किया था, इतना ज़्यादा शार्प नहीं था। उसके बाद वाइट आई पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। नाउ यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर कोल, बट इस लुक को क्योंकि हमने बहुत सिंपल रखा है, बहुत सिंपल ग्लैम भी है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग वाइट पेंसिल। आई थिंक वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, इट मेक्स योर आई सो मच बिग ग्लैमरस फेस की। पीच कलर में लिपस्टिक यूज़ की है, लिप लाइनर स्किप किया है। लिपस्टिक को लगा के आपको जो है वो उसको ब्लेंड कर देना है आपकी लिप्स में। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनी एंड टीना की लिप शेड यूज़ कर रही हूँ, शेड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इट्स लाइक पिंकिश रेड शेड, उसको आपके लिप्स के इनर साइड पर लगाना है। And here is the final look. If you found this video helpful, then hit that subscribe button below and like this video. I will catch you guys in my next video. Till then, take care and happy new year in advance.